बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बहुत आसान, बहुत ही ईजी आलू की कतलियाँ। घरों में कुछ भी ना हो, आप आलू धोते हैं, आराम से निकालें और पकाएं, झटपट तैयार होने वाली। सबसे पहले हाफ कप ऑयल ले लिया हमने, उसमें हमने 5-6 से अपने सुरख मिर्च लंबी हैं, गोल हैं, जो भी हैं, इनको थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लें। तो व्यूअर्स, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका शुक्रिया, और जो चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। ऑयल में हम थोड़ा सा डालेंगे अपना ज़ीरा। ज़ीरे के ऊपर, ज़ीरे को थोड़ा भून के उसके ऊपर हम अपने 3 मीडियम साइज़ के टमाटो ऐड कर देंगे। आधा किलो आलू की कतलियाँ काटी हुई हैं हमने, धो के अच्छी तरह उसको ले जी, इनको करेंगे द सॉफ्ट। और भी बस, आज जुमे का दिन है, अल्लाह ताला आप सबके दिल की नेक ख्वाहिशात को पूरा करे और मेरी भी करे, हमारे बच्चों को ईमान की दौलत से मालामाल करे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सलामत रहें। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून दादड़ मिर्च कुटी हुई, और वो जो फ्राई किए हैं उनको भी क्रश करके वो भी ऐड कर देंगे। इनका जायके से बहुत इनका टेस्ट इन्हांस होता है, मिर्च का फ्राई करने से, चॉप करके इसको डालने से बहुत अच्छा जायका आता है और लुक भी बड़ी अच्छी आती है। साबुत तो पकड़ते हुए खाते हुए डर लगता है, लेकिन ऐसे खाने में बहुत मज़े की लगती हैं। ले जी, इसके ऊपर हम उसको मैश करके पोटैटोस को, ऊपर हम अपने आलूओं को 4-5 मिनट अच्छी तरह इनको भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें हाफ कप पानी ऐड कर देंगे। बहुत बारीक नहीं है आलू की कतलियाँ, बहुत बारीक नहीं कटी हुई, ना बहुत मोटी हैं, तो इनको आप इस तरह थोड़ा सा इसमें। अब हमारी एक 5 मिनट हमने इनको अच्छी तरह भुना है, टोटल 10 से 12 मिनट में ये तैयार हो जाती हैं। ले जी, इसमें हम हाफ कप देखें पानी का ऐड करेंगे, और बस जी इसको मिला जुला के तो ढक देंगे हल्की आंच पे, 8 मिनट तक ये रेडी हो जाएंगी। और इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए धनिया और ग्रीन चिली ऐड करेंगे, कुछ अदरक लहसुन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, प्याज वगैरह की, काली मिर्चें भी नहीं ऐड कर सकते, अगर आपका दिल करे तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्पाइसी ऑलरेडी बड़ी हो जाती हैं। ले जी, जुमे का दिन है, इन्जॉय करें, और जुमा मुबारक आप सबको, बहुत बहुत जुमा मुबारक हो मेरी तरफ़ से जाते जाते सबको। अल्लाह हाफिज़, इन्जॉय करें, खुश रहें, आबाद रहें। सर्दी आ गई है, अपना ख्याल रखें बहुत सारा, बच्चों का, बूढ़ों का, बुज़ुर्गों का, उन्हें इज़्ज़त दें, रिस्पेक्ट दें, बच्चों को प्यार दें, हम सब के ऊपर फ़र्ज़ है। अपने अपने जगह पर रहते हुए अपने अपने फ़राइज़ को देखें। ले जी, जाते जाते सबको मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़, अगेन जुम्मा।